और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आखिर क्या है फ्लेक्सी फेयर सिस्टम। ट्रेन में सीट भरने के साथ किराए में बढ़ोतरी होती है और एयरप्लेन की तर्ज पर ये यहाँ पर किया गया है। हर 10% सीट बुकिंग के बाद किराया जो है वो यहाँ पर 10% बढ़ जाता है। बेस फेयर पर ये किराया जो है वो बढ़ता है और फर्स्ट क्लास, एग्जीक्यूटिव, साथ ही साथ फ्लेक्सी प्राइसिंग इन दोनों क्लासेस में होता है और थर्ड एसी में शुरुआती 40% सीट के बाद 10% किराया बढ़ोतरी होती है। बेस फेयर के साथ साथ रिजर्वेशन चार्ज, सुपर फास्ट चार्ज, केटरिंग चार्ज और सर्विस टैक्स, ये तमाम तरह के टैक्सेस वसूले जाते हैं और 71 रूट की 142 ट्रेनों पर फ्लेक्सी फेयर सिस्टम का असर यहाँ पर है। निचली क्लास का किराया ऊपरी क्लास से ज्यादा होने पर उच्च श्रेणी का विकल्प भी यहाँ पर दिया जाता है। एक और अहम बात देखिए कि फ्लेक्सी फेयर सिस्टम की आखिर समीक्षा करने की जरूरत क्यों पड़ी। फ्लेक्सी फेयर सिस्टम की बहुत आलोचना यहाँ पर हुई थी, जिसके बाद अब रेल मंत्री ने फैसला लिया है। किराया बढ़ा लेकिन सुविधाएं नहीं बढ़ी। लोग ज्यादा पैसे दे रहे थे लेकिन सुविधाएं जो थी वो उन्हें बेहतर नहीं मिल रही थी। केटरिंग और सफाई व्यवस्था में सुधार बिल्कुल नहीं हुआ, जिसको लेकर लगातार रेलवे की आलोचना भी होती रही है। रेलवे की आमदनी जरूर बढ़ी लेकिन यात्रियों की संख्या जो है वो यहाँ पर घट गई है और कम लोगों ने इससे सफर करना शुरू कर दिया। मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, जाहिर तौर पर अब समीक्षा की जाएगी रेलवे के इस फ्लेक्सी फेयर की और जो हम कह भी रहे हैं कि आमदनी जरूर बढ़ी लेकिन यात्रियों की संख्या जो है वो घट गई। जी बिल्कुल, सूत्र बताते हैं रेलवे मंत्रालय के कि अप्रैल में फ्लेक्सी फेयर जो नियम है इसकी समीक्षा की जाएगी और माना यह जा रहा है कि इसमें वो ज़रूरी बदलाव किए जाएंगे जिससे रेलवे की, जो हर बार आपने देखा होगा कि जब जब यात्री राजधानी शताब्दी या दुरंतों में टिकट बुक करता है और फ्लेक्सी फेयर नियम के तहत उसको ज़्यादा किराया देना पड़ता है तो हर बार वो रेलवे को उसकी आलोचना करता है, इस नियम की आलोचना करता है और इस नियम के चलते रेलवे की छवि भी, उसको भी काफ़ी यहाँ पे नुकसान हुआ, इसको धक्का लगा है। इसी सब को देखते हुए मंत्रालय इस विचार पर आगे बढ़ रहा है कि क्यों ना ऐसा कोई विकल्प पर आगे बढ़े जिसमें किराया भले ही बढ़ा दिया जाए लेकिन ये एक बार का फैसला हो जिससे बार बार रेल जो यात्रियों की आलोचना है उसका शिकार नहीं होना पड़े। और दूसरी बात यह है कि फ्लेक्सी फेयर में यात्री किराया तो बढ़ा है लेकिन उसके मुकाबले कैटरिंग या फिर सफाई की जो व्यवस्था है उसमें उतना बेहतर बदलाव नहीं देखने को मिला है। जैसे आपको बता दें कि मान लीजिए जो किराया 2.5 या 3 हज़ार का है उसको अगर यात्री 4 हज़ार रुपये में हासिल करता है लेकिन कैटरिंग जो खान पान उसके सीट तक आ रही वो वैसी ही है, उसमें कोई सुधार नहीं है, उसको शिकायत वैसी ही बनी हुई है। बिल्कुल, तो ज़्यादा पैसा देकर भी अगर यात्री खुश नहीं है बिल्कुल तो जाहिर बात है आलोचना ज़्यादा होगी और इसी से रेलवे बचना चाहता है, जिसके लिए फ्लेक्सी फेयर में बदलाव किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समीर दीक्षित इस तमाम अपडेट के लिए।